अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हुकूमत ने आईनी तरमीम अब कल सेनेट में पेश करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हुकूमती सेनेटर्स के एजाज में आज एक जोहराना भी दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी ने कहा कि कल सेनेट में आईनी तरमीम लाई जाएगी। बड़ी जमातें काफी हद तक इस तरमीम पर मुत्तफिक हैं। वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। आज सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई, जिसमें आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इससे पहले आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI फजलुर रहमान का भी इजलास हुआ था, जिसमें नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। दूसरी जानिब रोजनामा एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक आईनी तरमीम के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क्याम से पीछे हट गई है। ज़राए का ये कहना है कि हकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी अदालत के क्याम की 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ड्रॉप करने और आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हो रहा है। आज चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह की भी ज़ेर सदारत जो खसूसी पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास हुआ। इजलास के बाद खुर्शीद शाह का ये कहना था कि हमने बार बार PTI से एक ड्राफ्ट मांगा, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं दिया। और उन्होंने साथ ही साथ मुसवदा मुकम्मल होने की डेडलाइन देते हुए कहा कि आईनी तरमीम का मुसवदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। अब हुकूमत और JUI की मुश्तरका थी मुशावरत, उसके बाद अब JUI ने PTI से भी मुशावरत का फैसला किया है। और आज PTI के एक वक्त की मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी उनके साथ भी मुलाकात हुई। इसके अलावा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का यह कहना था कि JUI के साथ तय था कि एक साथ चलेंगे। अब एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल भी दे रखी है एहतजाज के हवाले से। और तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि आईनी तरमीम के खिलाफ वो मुल्क भर में बाहर निकलेंगे और एहतजाज भी करेंगे। तहरीक इंसाफ सारे मामले को किस तरह से देख रही है और क्या के कोई ऐसा रास्ता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इन आईनी तरमीम पर अपनी रजामंदी जाहिर कर सकती है या नहीं? अली मोहम्मद खास साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। उनसे ये जो मुजवजा आईनी तरमीम है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल है, दोनों हवालों से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो आईनी तरमीम है, अब ऐसा लगता है कि इसमें तमाम सियासी जमातें एक तरफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरी तरफ जो है वो खड़ी है, जो बड़ी सियासी जमातें हैं। क्या आपको कोई रास्ता नजर आता है कि तहरीके इंसाफ भी जो है वो इन आईनी तरमीम का हिस्सा बन सकती है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद वाला आलिही वसहबी वसल्लम। देखिए, कौमी असेंबली या सेनेट यानी पार्लियामेंट, ये होती ही आईन साजी और कानून साजी के लिए है, लेकिन हर कानून साजी, हर आईन साजी के लिए कुछ मरवजा तरीक़ेकार हैं। अगर आपने आईन साजी करनी है और उसके लिए आपने एक कमेटी भी स्पेशल जो है उसमें टास्क दे दिया है ना कि स्पेशल कमेटी इस काम के लिए नहीं बनी थी, ये तो 9 सितंबर को जो पार्लियामेंट पे हल्ला बोला गया था उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बनी थी। लेकिन चलो, एक कमेटी में आपने आईनी तरमीम आपने ले आए, तो जब आपने एक डायलॉग स्टार्ट कर दिया, एंगेजमेंट स्टार्ट कर दी, तो डायलॉग के लिए जरूरी ये है कि फिर आप ब्लैकमेलिंग, अगवा, ढोंस, धांधली, ये चीजें फिर आप नहीं करते। ये कैसे हो सकता है रहमान साहब कि एक तरफ तो आप हमारे साथ टेबल के अक्रॉस बैठ के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मेंबरान को तो छोड़ें, मेंबरान के ना कल जो जैन कुरैशी साहब की वाइफ जो हम सबकी बहन की तरह है और जैन हमारा छोटा भाई भी है लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी का बेटा है, और ये खातून सबकी इज्जत जो है, सबकी इज्जत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो 2 बार का वजीर खारजा है, उसकी बहू को आपने उठा लिया मास्क मैन से, फिर आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम आपसे बात करें? ये किस तरह की नेगोशिएशन है? किसी की बहू बेटियों को उठवा के जो तरमीम होंगी वो कैसी तरमीम होंगी? इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप इस काम में सीरियस हैं तो आप जेन्युइनली तरीके इंसाफ को एंगेज कीजिए। और परसों इमरान खान साहब से हमारी लीडरशिप की मुलाकात भी होगी, केस जो है वो दोबारा लगेगा, खान साहब से भी उसमें डायरेक्शन ले ली जाएगी,
आप इमरान खान साहब को एंगेज कीजिए, आप तरीके इंसाफ को एंगेज कीजिए, सबसे बड़ी। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जब आप एंगेजमेंट की बात करते हैं तो आप किस तरह की एंगेजमेंट चाहते हैं? देखिए, एक एंगेजमेंट उन्होंने ये की कि मौलाना फजलुर रहमान आपसे मुलाकात कर रहे हैं, शायद हुकूमत की बिहा पर जो है वो कोई बात हुई हो, कोई पैगाम पहुंचा हो। और दूसरी एंगेजमेंट खसूसी कमेटी की है, जिसमें खुर्शीद शाह और PMLN भी कह रही है, वजीर कानून भी उसमें कह रहे हैं कि भाई आप हमें अपना ड्राफ्ट दे दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपना ड्राफ्ट नहीं दिया। तो फिर जब आप कहते हैं कि एंगेजमेंट है या बामानी तरीके से आपसे बात की जानी चाहिए, तो किस तरह से वो बात हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में चीजों को मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। हमने बड़ा स्टैंड लिया, तहरीक इंसाफ ने जो 15 का अपना एहतजाज मौखर किया SCO के जरिए, ताकि पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट है उस पर एक हर्फ भी ना आए। हमने पॉलिटिकल उसका हमारी लीडरशिप ने उसकी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त की, क्योंकि सब इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे थे, उनकी सेहत के बारे में सब फिक्रमंद है, बे इंतहा फिक्रमंद है कि इमरान खान साहब की इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो इन हालात में अगर आप समझते हैं कि ये तरामीम आपको लोगों को अगवा करके, बहू बेटियों को उठवा के और लोगों को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके या लालच दे के नहीं करनी, और आपको इसको आईनी तरीके से करना है, पहली तो आपको सबको रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को ये है, आप डीएस्केलेट कीजिए, आप रूल ऑफ द गेम को फॉलो कीजिए, आप लोगों को जो हमारे साथ के करीब MNAs मिसिंग है उनको आप अवेलेबल कीजिए, आप अपने एंगेज कीजिए। इमरान खान साहब के साथ हमें के पास हमें ये चीजें लेके जाने दीजिए कि इमरान खान साहब इस पर क्या राय देते हैं, वो क्या उस पर तजवीज देते हैं। और आप मत भूलिए रहमान साहब कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो 6 महीने से ज्यादा, कम उबेश साल लगा लें, 9-10 महीने लगा लें, ये इतनी लंबी एंगेजमेंट उस पर हुई थी, पूरा पार्लियामेंट उस पर एंगेज था, इसी वजह से तो वो देर पाती, चारों सूबे में आज उस पर अमल हो रहा है मरकज में। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आपने जो तरमीम करनी है उसको असेंबली के फ्लोर पे लाए। आज नवीद कमर साहब ने कौमी असेंबली में अच्छा किया कि उन्होंने एक मोशन मूव की और पहली बार कौमी असेंबली के फ्लोर पे आईनी तरामीम के हवाले से गुफ्तगू शुरू हुई है। ये आप देखिए कि आप आज महीना पहले रात के 2 बजे जिस आईनी तरामीम को पास करना चाह रहे थे, आज तो उस पर डिबेट जो है स्टार्ट हुई है, अब इस पर बात आएंगी, इस पर मुख्तलिफ तजावीज आएंगी। तो इसलिए मैं नहीं समझता, या तो आप दोनों कर लें, जोर जबरदस्ती कर लें, या आप हमसे एंगेजमेंट कर लें, दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकते ना। राइट, जल्दा भी कर। राइट, लेकिन एक देखिए, अभी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें भी जो चीजें पता चल रही हैं वो जो है वो कहीं लेफ्ट से राइट से कहीं ना कहीं से जो है वो इतला पहुंच रही है, कोई इजलासों की खबर हो रही है, कोई सियासतदान जो इन डिस्कशन में शरीक है वहां से कुछ पता चल रहा है। लेकिन एक तजवीज जो आज गर्दिश कर रही है और जो पता चला है वो ये कि हुकूमत आईनी अदालत का आइडिया ड्रॉप कर रही है और जारी है बेंच की तरफ, कि एक आईनी बेंच बनाना चाहिए। अब ये वो बात है जो आप भी पहले हमारे प्रोग्राम में भी कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ के बाकी भी कुछ लोग इस हवाले से कह चुके हैं, तो क्या बेंच काबिले कबूल है आपको? देखिए, फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी तो हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब हैं, लेकिन वकला का, खासकर सियासी लीडरशिप का काम होता है मुश्किलात में से रास्ता निकालना। आईनी बेंच अगर हो और मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नीचे हो तो वो एक रास्ता आगे का हो सकता है, लेकिन मैं इस पे हतमी बात अभी नहीं कर रहा, वो अथॉरिटी दोबारा मैं कर रहा हूं बात के खान साहब हैं। लेकिन अलहदा आईनी अदालत से आईनी बेंच निस्बतन बहुत बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस ही हेड हैं, तो उससे जो सुप्रीम कोर्ट की ताकत है वो कम नहीं होगी। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बात कर चुका हूं, और आपका तो बड़ा मार्केबल अहरा प्रोग्राम होता है, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने पहली बार इस पे बात की कि हमने SCO के दौरान एहतजाज नहीं करना, और वो पार्टी ने वही किया, लीडरशिप ने भी उसका फैसला किया, और मैं समझता हूँ संजीदा फैसला था। इस हवाले से सबसे पहली आवाज आपकी थी, तो आज के प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में ये बात दोबारा कर रहा हूँ। बड़ी अहम बात मेरे ख्याल में है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है रहमान, आप वकील हैं, मैं वकील हूं, और हमारे पाकिस्तानियों की सुप्रीम कोर्ट है। और मत भूलिए, इस पे अगर मुझे मौका मिलता है, कल मैं असेंबली में शायद इस पे ये बात जरूर करूं, अगर अल्लाह ने मुझे जहन में ये बात रखी, कि आज अगर ये सुप्रीम कोर्ट आजाद है और मजबूत है, ये वो जस्टिस मुनीर वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है रहमान साहब, इसकी आजादी के लिए हम वकला और उसके साथ साथ सियासी लीडरशिप, जिसमें
मरहूम जो काजी हुसैन अहमद साहब आपको याद होगा उनका रोल था, हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब ने तो बाकायदा जेल काटी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने खुद ये उनके मुंह के अल्फाज हैं कि मैं अपने चीफ जस्टिस के घर पे पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी, और नवाज शरीफ साहब खुद निकले लॉन्ग मार्च किया सुप्रीम कोर्ट। तो अब मुझे राम मैं इस पे हूं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब का, पीपल पार्टी का, तहरीक इंसाफ का, जमात इस्लामी का, वकला का, सबका इसमें रोल था, तो आज क्यों आज की मुस्लिम लीग नून और आज की पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, इसको कमजोर करना, इसके चीफ जस्टिस के जो है उसके बिल्कुल ताकत को जाहिल करना है। मैं ये समझता हूं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, सबसे अच्छा सीनियर जज को चीफ जस्टिस होना चाहिए, और बेशक आप आईनी बेंच बनाएं लेकिन उसके हेड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, आईनी अदालत ना हो, क्योंकि मैं ये बात कई बार कह चुका हूं। अच्छा, आप जिस तरह किसी मुल्क में दो वजीर आजम नहीं हो सकते, जिस तरह मुल्क में दो आर्मी चीफ नहीं हो सकते, उसी तरह मुल्क में दो चीफ जस्टिस नहीं हो सकते। हाँ, बेंच हो सकता है, उसका हेड चीफ जस्टिस। अच्छा, अगर इस की तरह हम जाते रहे, और एक बात और भी, लोग एक मोहतरम चीफ मोहतरम जज साहब से, नाम मैं नहीं लेना चाहता, मैं मुनासिब नहीं समझता, सबको पता है जी। एक मोहतरम चीफ जस्टिस से आज की हुकूमत बड़ी खाइफ है और उनके हैंडलर्स भी। मैं ये कहता हूं जितना मैंने बतौर वकील मालूम है मेरे पास, वो एक ट्रेडिशनल हाँ ऑनेस्ट जज हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि जाके पता नहीं वो क्या कर देंगे और कोई बहुत ही बड़ी फेवर तरीके इंसाफ का मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। और मैं बतौर पाकिस्तान के एक एक जिम्मेदार शहरी के, एक सियासी कारकुन के, एक वकील के कहना चाहता हूं, किसी भी जस्टिस को हम नहीं एक्सपेक्ट करते, ना हम एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो किसी जमात को आउट ऑफ द फेवर दे, अगर कोई देता है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा करेगा। इसलिए हम समझते हैं मौजूदा सिस्टम को ना छेड़े। अगर आप समझते हैं आखिरी बात कि भाई केसेस ज्यादा हैं, 60,000 केसेस हैं, आपने आईनी बेंच बनाना है, आज कौमी असेंबली के फ्लोर पे फिगर दी उमर अयूब खान ने कि 60,000 से 140 केसेस हैं वो आईनी है, बाकी जो ट्रेडिशनल केसेस हैं आप आईनी बेंच जरूर बनाइए, हेड चीफ जस्टिस को रखिए और चीफ जस्टिस सीनियरिटी प्रिंसिपल पे आए, सबसे सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बने। अच्छा अच्छा, लास्टली अली मोहम्मद खान साहब, ये जो एहतजाज वाला मामला है इसको लेकर बहुत बातें हो रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो बिल्कुल मुख्तलिफ राय हैं एहतजाज के हवाले से। कुछ बात हो रही है कि वजीर आला भी जो है वो एक तरफ है और वो भी कुछ गिले शिकवे कर रहे हैं, कुछ लीडरशिप के आपस में गिले शिकवे। ये मामलात जो है वो क्या इख्तलाफ राय की हद तक है या फिर जो है वो इससे बढ़कर इसको पार्टी के अंदर एक क्लियर डिवाइड जो है वो समझा जा सकता है? नहीं, मेरा रहमान साहब नहीं ख्याल क्लियर डिवाइड नहीं है ना कोई ग्रुप है, मेरे ख्याल में सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और मैं ऑनेस्टली जितना जो मुझे समझ आती है मैं वो बात आपको कर रहा हूँ, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी सिर्फ एससीओ की हद तक था। बाकी इस वक्त अब एससीओ इज्जत के साथ हो गई, मेहमान अमन चले गए, शुक्र है। अब एहतजाज कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, अब एहतजाज के लिए जमात तैयार है, कल हमने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल भी दी है। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था जो सेहतमंद था, कुछ लोगों का ख्याल था नहीं एहतजाज करें, कुछ का ख्याल था नहीं अभी 3 दिन ना करें, उसके आगे आप कर लीजिए। इस वक्त जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, इस वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अब एहतजाज पे नहीं, आप सब कह रहे हैं बिल्कुल एहतजाज होना चाहिए और पुरमन होना चाहिए, लेकिन पूरी पूरी कोशिश के साथ होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, हमारे साथ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकफ के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है ये अब इम्कान है कि कल सेनेट में भी आ जाएगी, और इस पर हुकूमती पोजीशन पर काफी बात हो रही है कि क्या हुकूमत अपनी जो आईनी अदालत बनाने की पोजीशन है उससे पीछे हट गई है या नहीं। ये अभी तक जहरी बात है मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं, लेकिन ये जो आईनी तरमीम है इस पर हुकूमत जिस तरह से बाकी जमातों को ऑन बोर्ड ले रही है, इस सारी की सारी सूरत हाल पर जो है वो बात करने के लिए इस वक्त खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, आईनी अदालत का जो इशू था, क्या आईनी अदालत की जगह एक आईनी बेंच है वो काबिले कबूल हो सकता है या उसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है? जैसे कि अभी हम मीडिया में सुन रहे हैं कि ये एक प्रपोजल है जिस पर जो है वो अभी बात इम्कान है कि आगे बढ़ रही है।
बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया। इसमें दो आप कह सकते हैं कि इश्यूज पे जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, एक तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का 2006 में, उसके बाद 2018 में जो दूसरी आईनी तरमीम की थी, 18वीं आईनी तरमीम, उसके अंदर भी एक तरीके से कोशिश की गई थी कि पार्लियामान का किरदार जो है वो ज्यादा हो अदलिया के मामलात में और खासतौर पर जजेस के इंतखाब में। तो वहां पर हमें आपको मालूम है कि 19वीं आईनी तरमीम करनी पड़ी और इश्यूज बने, लेकिन अब यही वही कोशिश जो अनफिनिश्ड एजेंडा था वो अब दोबारा 26वीं तरमीम में आ रहा है। तो अगर से हुकूमत की बहुत कोशिश होगी कि जो है वो एक आईनी अदालत बने, लेकिन असल मकसद अदालत से ज्यादा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 60,000 अपीलें पेंडिंग हैं उनको अलहदा कर दिया जाए जो आईनी दरखास्त में आती है। तो एक तो ये कि अगर आईनी बेंच से भी वो डिस्पैच लेकर होता है तो वो एक पेशरफ होगी। दूसरा इशू यही है कि वो जो जजों के इंतखाब में जो पार्लियामान का ज्यादा किरदार है उसको भी 14 साल के बाद रिविजिट किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो असूली तौर पर अपनी जगह पर मौजूद है, उसमें तरीकेकार में कुछ तब्दीली अगर आती है निगोसिएशन के बाद, लेकिन ये मैं वादे कर दूं कि जो भी मुस्तवदा है वो वही जिसे कहते हैं रिलायबल होगा जब काबीना उसकी मंजूरी देगा। ठीक है, लेकिन इसमें खुरम दसगी साहब जो टाइमिंग है उस हवाले से सबसे ज्यादा बात हुई है, और अभी जो एक तजवीज है कि तरीक़ाकार तब्दील हो सकता है या होना चाहिए चीफ जस्टिस की तकर्री का, आप उस पर भी बहुत बात हो रही है। ये मेरिट और जो वर्सेस सीनियोरिटी प्रिंसिपल है इस पर हम काफी बहस जो है वो इस मुल्क में भी देख चुके हैं, लेकिन क्या आपको अगर ऐसी तब्दीली लाने का फैसला किया जाता है तो क्या आपको इसका वक्त सही लगता है? जी, सही काम करने के लिए हर वक्त सही है। और ये आपके नागरिक के लिए अर्ज कर दूं कि ये जो सीनियर मोस्ट जज की तकर्री जो है ये 1996 में यानी पाकिस्तान बनने के तकरीबन जो है वो 50 साल के बाद ये आई थी जो तजवीज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसके नतीजे में, और इससे पहले 1996 से पहले जो है वो चीफ जस्टिस फर्क तरीके से और हुकूमत की सवाबदीत के ऊपर था, लिहाजा आप इसको ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है कि सिर्फ हुकूमत की सवाबदीत नहीं है, उसमें पार्लियामान के कमीशन का भी रोल होगा। और ये एक बेहतर तरीका है क्योंकि अभी हमने अगर किसी को इसके बारे में कोई शक है तो आप देखिए कि जो तीन चीफ जस्टिस गुजरे हैं उन्होंने किस तरह जो है वो आइन को ताराज किया है। तो ये सीनियोरिटी का जो निज़ाम है, चाहे वो मोहतरम साकिब निसार साहब के दौर में था या उनके बाद गुलजार साहब के दौर में था, या अभी हमने मनाजा बंदयाल साहब के दौर में देखा, या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में भी ये सिक्योरिटी का जो निज़ाम है ये पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर सका जो हम चाहते थे कि जो जमहूरियत की मुआवजत करे आवाम को डिलीवर करे। तो लिहाजा पार्लियामान का इस्तेहकाक है कि जो हमें नजर आ रहा है कि निजाम वो मतलूबा नतज नहीं दे रहा जो हम चाहते हैं अपनी जमहूरियत के लिए और आफमियत के लिए, लिहाजा उसको तब्दील किया जाए। लेकिन टाइमिंग वाला जो इशू है, डू यू थिंक के ये कंसिडरेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए हुकूमत के सामने इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान का आईन भी एक सियासी दस्तावेज है, उसमें हमेशा उससे तासुर ये जा रहा है कि शायद ये पर्सन स्पेसिफिक हो रही है, या किसी का रास्ता बनाने के लिए हो रही है या किसी का रास्ता रोकने के लिए हो रही है। देखिए, जो लोग इस तरमीम को रोकना चाहते हैं उनके मकासद में भी कहीं दूर दूर तक असूल नहीं, वो भी सिर्फ इसको एक खालिस सियासत और अपने इकतदार की हवस का ईंधन बनाना चाहते हैं। लिहाजा पार्लियामान जिसके पास वो साख है जो पाकिस्तान की आवाम की दी हुई है, जो उसकी लेजिटिमेसी है, वो ही बेहतर फैसला कुन इसमें रोल अदा करे। क्योंकि आइन ये वादे कह चुका है कि दो बातें हैं अहमे आइन में, एक ये है कि अल्लाह ताला के बाद इस रियासत का इकतदार आला मुंतखब मुहाम्मदों के हाथ में होगा, और दूसरी बात जो आइन में एक से ज्यादा दफा की गई है कि पाकिस्तान की अदालतों के पास उतनी ही अथॉरिटी होगी जितनी
पार्लियामान उसको देगी कानून के जरिए। तो लहरा ये दोनों बातें बड़ी भारी, और अगर पार्लियामान एक्शन करना चाहता है और समझते हैं कि इस वक्त जरूरी है तो फिर ये नियत की और वक्त की बातें जो है ये सिर्फ क्रिटिसिज्म तो हो सकता है, लेकिन पार्लियामान के आगे ये कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहते हैं कि हुकूमत अगर उनको एंगेज करे, कोई बामानी एंगेजमेंट हो तो बात हो सकती है, लेकिन हुकूमत का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा गलत है। लोगों को पकड़ा जा रहा है, कोई केसेस बनाए जा रहे हैं, बॉस ट्रेडिंग के भी इल्जाम है सबके जो है वो बीच लग रहे हैं। तो हुकूमत के क्या जो ऑपोजिशन है उसको अप्रोच करने में आपको कोई मसला नजर आता है, या वो जो है वो प्रॉब्लमेटिक है इस सारी तरमीम के प्रोसेस के अंदर? जी, आपके नाजरीन खबरें देख रहे हैं, मुझसे बेहतर आगाह हैं कि किस तरह बार बार उस खसूसी कमेटी जिसे वो सूचा सबमिट कर रहे हैं वहां उनके सामने ये बात रखी गई, और आज जब एक हतमी मुसौदा उनके सामने रखा गया तो उन्होंने माजरत कर ली, हमने तो अभी इस पर सोच विचार नहीं की। तो अगर इस किस्म की गैर जिम्मेदार ऑपोजिशन जो है जो अभी तक सोच विचार करने से आ रही है और सिर्फ रुकावटें डालना चाहती है, दूसरा जी की जो खबरें आई भी है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया वो खुद तरदीद कर दी है और कहा है कि ऐसा नहीं हुआ, तो लिहाजा ये इस तरह की जो अफवाहें हैं और इस तरह के इल्जाम है ये वैसे ही है जिस तरह लाहौर में एक बड़ा भयानक वाकया हुआ और उसके ऊपर आज बल्कि गुजरात में एक सिक्योरिटी गार्ड को एक जागी तलबा ने कत्ल भी कर दिया, उसके बेचारे की हलाकत हो गई। अगर इस तरह के मामला होंगे तो ऑपोजिशन का भी एक जरूर जिम्मेदारी है तो वो अगर उनके पास सबूत और सवाल जाए तो जरूर इल्जाम लगाए, लेकिन यहाँ ये देखा जाता है कि अभी कोई वाकया होना है तो उस पर पहले ही इतना ज्यादा शोर डाल देते हैं कि जो असल हकीकत है वो छुप जाती है। पार्लियामान ने कल जब काबीना अगर इसको पास करती है इस मुसंदे को सबके सामने खुलकर होगा और दिन की रोशनी में तरमीम इंशाल्लाह पास होगी। और अब ये जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल्स हैं इनको आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, प्लस वो इमरान खान से भी मुलाकात का बार बार जो है वो मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत जो है वो किसी भी लेवल पर उनके साथ उनको अप्रोच कर सकती है या उनके साथ जो है वो कोई बातचीत कर सकती है इस इशू के ऊपर? देखिए, हम तो आज भी इनके साथ तो उस खसूसी कमेटी में बैठे हुए थे और उन्होंने खुद कहा कि हमें तो हमने तैयारी नहीं की तो हमें इस पर जोर विचार के लिए वक्त चाहिए, और वो पार्लियामान जो जहां उनको एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी हासिल है उसकी मौजूदगी में एक जांच की कॉल तो सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग का जरिया है कि अगर हमारी बात ना मानी तो हम तो एहतजाज करेंगे और हम तो वो करेंगे। हालांकि इनको अच्छा मालूम है कि ये पार्लियामान के अंदर एहतजाज कर सकते हैं, अपनी जो असल अगर मकसद है कि आवाज उठानी है, आवाज पहुंचानी है, तो स्पीकर कौमी असेंबली को बहुत ज्यादा इस मामले में एक इवन हैंडेड रोल प्ले करते हैं, सबको इजाजत देते हैं। अच्छा, बात करें तो उनकी जो भी इतराजात है वो पार्लियामान के फ्लोर पे, अभी अगर कमेटी में अभी तक ये तैयारी से नहीं आए तो पार्लियामान में भी सच्चा के शोर ही मचाएंगे, उनके पास कोई सब्सटेंटिव बात नहीं है करने की। अच्छा, लेकिन खुर्रम तसकीर साहब, इस सारी बहस में जब पार्लियामान के पास इख्तियार वापस आ रहा है तो आपके ख्याल में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पार्लियामान का जो इख्तियार बढ़ाया जा रहा है वो कल अगर आप ऑपोजिशन में आते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा? जी देखिए, हमने एक तजर्बा 14 साल करके देखा है, वहां पेशरफ करनी है, इसको जब इंशाल्लाह तरमीम की मंजूरी के बाद जो हालात और वाकयात साबित करेंगे कि ये फैसला दुरुस्त था कि नहीं था, हमने जो इस तरीके का ये सोचा कि जजों की तैनाती में खुद अदलिया का किरदार ज्यादा होगा, वो जजों की का मयार और जजों की जजमेंट्स का मयार बेहतर करने में नाकाम रहा है, तो लिहाजा जब हम एक जैसे मैंने कहा कि आई कोई मुंजमद कागज नहीं है, वो जिंदा दस्तावेज है और लिहाजा उसको साथ हमें तब्दील करना है, और अगर इसके नतीजे नहीं हो सकता है 15 साल बाद पार्लियामान कहेगी आपका ये तरह भी कामयाब नहीं हुआ, हमें और इससे भी बेहतर तरीका चाहिए, लेकिन ये हमें 12 लाख करना है जिनसे मौजूदा निजाम जो पाकिस्तान के अवाम को भी और पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप बात कर रहे थे
मुस्लिम लीग नून के मौकफ के हवाले से ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और अहम खबरें हैं उन पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शंघाई तआवुन तंजीम इजलास में पाकिस्तान का जो है वो इस इजलास का कामयाबी के साथ पाकिस्तान में इनेकाद हुआ और गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में ये इजलास जो है वो खत्म हो गया और उसका एक मुश्तरका ऐलामिया जारी किया गया जिसमें एक दूसरे की खुद मुख्तारी के एहतराम, इलाकाई सालमियत के अज़्म का इआदा किया गया और कामयाब इजलास पर पाकिस्तान को भी मुबारकबाद दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से शंघाई तआवुन तंजीम में शरीक सरबराहान और नुमाइंदगान के एजाज में एक जोराना भी दिया गया। लेकिन अहम बात इसके अंदर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा उनका दौरा था उस वो खास तौर पर जो है वो तवज्जो का मरकज रहा। एक तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के हैं इसहाक़ डार उनकी खुशगवार माहौल में बातचीत हुई और रोजनामा डॉन के मुताबिक इस मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के माबैन क्रिकेट के मौजू पर बातचीत का आगाज भी हुआ। फिर भारत रवानगी से पहले भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एक मुस्बत बयान सामने आया। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की एससीओ कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए आने वाले भारतीय साफियों के एक वफ्द से मुलाकात भी हुई और ये जो अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा है क्या पाकिस्तान भारत ताल्लुकात को बहाल कर रहा है, क्या ये बातचीत फिर से शुरू होने जा रही है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने वाली हैं और फिर जहां से बातचीत टूटी थी जो कश्मीर का मामला था अब क्या उस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। डॉक्टर जमील अहमद साबिक सफीर हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से उनकी राय जानते हैं। डॉक्टर जमील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर जमील साहब आपको लगता है इस बात का इम्कान है कि ये जो बायलेटरल डायलॉग है या बायलेटरल रिलेशनशिप है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो बिल्कुल एक डेडलॉक की सूरत हाल थी वो खत्म होने जा रही है या हो सकती है? देखिए इसको दूसरे पैराए से देख ले, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी इस किस्म के मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की नुमाइंदगी हुई है, चाहे वजीर खारजा के लेवल पर, एक्सटर्नल मिनिस्टर के लेवल पर या प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर, तो हमेशा कुछ शिद्दत बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ये पहली मरतबा है कि जो हमारी खराबी थी, रिलेशन हमारे खराब हुए हैं, उससे कुछ शिद्दत बढ़ी नहीं है, कम हुई है। तो इसको इस तरह ले लें कि जो पहले लेवल चल रहा था उसमें कमी आई और क्यों आई, जयशंकर के जेस्चर्स अच्छे हैं, उनके जो उन्होंने एक्ट पर अपने मैसेजेस दिए वो अच्छे हैं, मुबारकबाद दी प्राइम मिनिस्टर को, मुबारकबाद दी वजीर खारजा को, हमारे मुबारकबाद दी, हमारे आवाम को मुबारकबाद दी और इस अच्छे खुशगवार में जब जोराने पर बैठे तो उनके दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज और दूसरा जो क्रिकेट वगैरह के बारे में मुख्तलिफ मौजूदात पर बात हुई होगी जिसका हम सारों को इल्म नहीं है, जो सरेआम पर आई है, लेकिन वो भी एक अच्छा शगुन है। तो मतलब किसी खराबी के बजाय अच्छाई की तरफ गए। अब रहा सवाल, अच्छा, हमारे नशेबो फराज इतनी आई हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में कि हमने पीस इनिशिएटिव उनसे किया हुआ है। देखिए हमारे पास 72 में शिमला मुआहदा है, लाहौर डिक्लेरेशन 99 में है, कंपोजिट डायलॉग 2004 से 2008 तक चलता रहा और उसमें हमने काफी कामयाबी दोनों साइड से हुई लेके, और इंडस वाटर ट्रीटी भी एक अच्छा, ताशकंद एग्रीमेंट भी अच्छा, लेकिन डाउन साइड बड़े हुए हैं। 1948 में जंग की, 65 में की, 71 में की, तो मुख्तलिफ महाज पर वो भी हुआ। और सबसे बड़ा मसला हमारा और इंडिया का दो ही है, एक तो ये है कि हम पार्टी हैं अक्वाम मुत्तहदा, हमने उसके बारे में ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बिल्कुल अपने सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 18 के उसमें मौजूद हैं, तो उसकी हम पासदारी करते हैं। लेकिन जमील अहमद साहब, ये जहां से बातचीत टूटी थी वो तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वाला मामला, तो भारत ने अब उस तरह उस पर कोई लचक नहीं दिखाई है अभी तक, तो आपके ख्याल में क्या इसके बावजूद ये ताल्लुकात पाकिस्तान की तरफ से कंडीशन रही है कि पहले आप उस गलती को दुरुस्त करें फिर बातचीत होगी, तो क्या उसको साइड पर रखकर जो है वो बातचीत हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि कश्मीरियों के जो उनको एक उनकी हैयत को तब्दील करना, उनकी जो एक गारंटी उनको दी थी हरी सिंह ने,
जो जब रूलर ने एनेक्सेशन का कागज साइन किया था वो भी डिबेटेबल है, तो उस वक्त उनकी इंडिपेंडेंस को 370 के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के प्रोटेक्ट किया था और 35 के जरिए। हमारा मेजर स्टैंड ये था कि आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी में अक्वामे मुत्तहदा के रेजोल्यूशन के मुताबिक कोई तब्दीली नहीं कर सकते और ये जेनेवा कन्वेंशन 49 में दिया हुआ है। तो जब ऐसा हमने स्टैंड ये लिया कि इसमें अक्वामे मुत्तहदा भी इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, कि कश्मीरियों की जो गारंटी है जिसकी कि हम वकालत करते हैं और सही करते हैं और कानूनन करते हैं और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक करते हैं, स्टैंड था। लेकिन कुदरत ने तीन मदद की है कश्मीरियों की, और वो मदद क्या की है कि नंबर वन के बीजेपी इलेक्शन हार गया, नंबर टू के वहां कांग्रेस पावर में आ गई, हालांकि भी इसमें शराब रही है और कांग्रेस के उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर पहले रख लिया कि हम 370 खत्म करेंगे, 370 खुद ब खुद खत्म हो जाए अगर इंडिया के अपने प्रेशर से। अच्छा। तो हमारा एक सबसे बड़ा मसला तो जो हमारा स्टैंड था वो आदेश ज्यादा हल हो जाता है, बाकी रह जाते हैं सिक्योरिटी। अच्छा। के रेजोल्यूशन 70 साल से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी बताइए ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको लगता है आने वाले दिनों में, असल मसला तो इंडिया की तरफ से है, क्या कोई लचक दिखाई जा सकती है या नहीं? पाकिस्तान ने तो एक अच्छे होस्ट की तरह जो है वो इस मरतबा भारतीय वजीर खारजा को वेलकम किया, कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं थी, हालांकि उनकी तरफ पिछले साल जब बिलावल भुट्टो गए थे तो रवैया कुछ इतना अच्छा नहीं था, तो आपको लगता है कि भारत की तरफ से ये जो एक पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है इसके बाद कुछ लचक दिखाई जा सकती है? जी, लचक का तो इजहार होगी। उनकी अगर उन्होंने टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र एहतियातन और दबे अल्फाज में और फंसे ये अपने एक बिल्कुल डिप्लोमेटिक अंदाज में कर दिया, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी है। हमारा नाम तो लिया नहीं उन्होंने उसमें, उन्होंने जनरल बात की, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है उनकी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन उसका अगर हमारा नाम ले लेते तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में उसका जवाब देते। अब आज इस बात पर कि बात हमारी आगे बढ़ सकती है, बिल्कुल, ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब तक है उसमें अगर थोड़ी बहुत बड़ी तो दो वजूहात मेरे तजिए के मुताबिक हो सकते हैं। भारत की तरफ से बहुत सख्त और शदीद, भारत की इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफा प्रेशर पड़ा है कि कनाडा ने फाइनली जो उनके 6 बाकी जो रह गए थे उनको पर्सनल नॉन ग्रेटा करके निकाल दिया। यूएस के तरफ से भी उनको प्रेशर पड़ा है पूनम सिंह के असैसिनेशन अटेम्प्ट के सिलसिले में। कनाडा वो मुल्क है दुनिया की तारीख में नहीं मिलेगा कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट का सरबरा फ्लोर ऑफ जाओ उसमें कहे कि फलाना मुल्क जो है उसने हमारे को इफेक्ट किया है और हमारे यहाँ कत्ल करवाया है। तो ये 2-4 प्रेशर जो आए हैं इंडिया पर और साथ में इलेक्शन हार गए मकबूजा कश्मीर, तीन प्रेशर जो आए हैं तो उससे अंदाजा ये हो रहा है कि थोड़ी सी कुछ मुलायमियत आएगी। अच्छा। जैसे कि अभी के लहजे में तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि मोदी राइट में मुश्किल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जबील अहमद, हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाहौर में जो एक वाकया पेश आया मुबीना ज्यादती के बाद तलबा का जो एहतजाज था एक तलबा के साथ, इस पर अब हालांकि जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वजीर आला पंजाब की तरफ से और उनकी तरफ से एक आ गया कि इस तरह का कोई वाकया पेश आया नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद ये मामला ऐसा लगता है कि अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा। और निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुबीना ज्यादती के मामले पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तलबा ने आज भी एहतजाज किए, रावलपिंडी में आज एहतजाज किया, मुख्तलिफ कैंपसेस पर जो है वो पथराव किया गया और दूसरी तरफ पुलिस ने जो पथराव करने वाले थे वो कम अज कम 250 तलबा थे उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब दूसरी जानब जो DIG ऑपरेशन है लाहौर फैसल कामरान, उनका यह कहना है कि निजी कॉलेज की तालिबा केस में उनके पास अभी तक कोई शिकायत कुनिंदा नहीं आया और बच्चों को मिस गाइड किया जा रहा है। मुतासरा लड़की के जो वालिद हैं उन्होंने भी एक ASP के हमरा जो है वो वीडियो बयान जारी किया था। वजीर आला पंजाब ने जो है वो इसका जिम्मेदार जो है वो तहरीक इंसाफ को करार दिया और
एक साजिश बनी थी और इस साजिश के बाद जो है वो ये सारा मामला जो है वो इस तरह से इसको खराब किया गया। बार बार एहतजाज की कॉल दी गई और उसके बाद ये खतरनाक मंसूबा बनाया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भचर ने दूसरी तरफ कहा है कि वजीर आला मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बैड गवर्नेंस छुपाने के लिए जो है वो की। बहरहाल हुकूमत को इस मामले को देखना चाहिए कि क्या वजह है के बावजूद इसके कि उनका ये कहना है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, कोई शिकायत कुनंदा नहीं है, लेकिन तलबा जो है वो अभी तक एहतजाज के लिए बाहर निकल रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में आज भी जो है वो तलबा ने एहतजाज किया और कैंपसेस पर पथराव भी किया। ये मामला जो है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको मजीद जिम्मेदारी के साथ एक थॉटफुल तरीके के साथ इसको हैंडल करने की जरूरत है। आज के